हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएट टिप्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो बहुत ही वन साइडेड सीरीज हुई, 3-0 व्हाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में, और उसी की वजह से जो है हमने इस सीरीज में जो है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करा। हमारे लिए वो सीरीज जो है वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुई। कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी कभी पूरी सीरीज ही हम जो है लॉस में बुक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम पूरी सीरीज में प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन अब बारी है T20 सीरीज की। हो सकता है पाकिस्तान जो है शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लैंड इस सीरीज को भी काफी आसानी से जीतेगी। तो आई चलते हैं पहले T20 की। 16 जुलाई को रात को 11 बजे खेला जाएगा ये मैच, तो उसकी टिप नंबर 1 की तरफ। तो आई चलते हैं इस मैच की टिप नंबर 1 की तरफ। तो इस मैच में मैंने बैक करा है कि जॉस बटलर की प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 39 प्लस क्रॉस हो जाएगी 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टैक है, 1666 का इस पर मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट। तो आप जरूर बैक करें जॉस बटलर को कि वो 39 प्लस क्रॉस कर जाएंगे अपनी प्लेयर परफॉर्मेंस। तो जल्द इस मैच की टिप नंबर 2 की तरफ। तो इस मैच में मैंने बैक करा है कि शाहीन अफरीदी, जी हाँ शाहीन अफरीदी की प्लेयर परफॉर्मेंस रहेगी 21 प्लस की 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टैक है और इस पर मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट 1666 का। तो आप जरूर बैक करें शाहीन अफरीदी को कि उनकी प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 21 प्लस की क्रॉस हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि क्या होती है प्लेयर परफॉर्मेंस। अगर शाहीन अफरीदी एक विकेट ले लेंगे इन्हें मिल जाएंगे पूरे 20 पॉइंट, और अगर ये एक रन मारेंगे तो इन्हें मिल जाएंगे 10 पॉइंट, और अगर ये एक कैच पकड़ लें तो इन्हें मिल जाएंगे पूरे 10 पॉइंट। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है प्लेयर परफॉर्मेंस। तो आई चलते इस मैच की टिप नंबर 3 की तरह। हसन अली बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, तो इनके भी मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 21 प्लस की 2.00 ऑड्स पर। डबल स्ट्राइक है, पूरे 2000 रुपए का इस पर मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट। तो आप जरूर बैक करें हसन अली की प्लेयर परफॉर्मेंस 21 प्लस की 2.00 ऑड्स पर। तो आई चलते इस मैच की टिप नंबर 4 की तरफ। बाबर आजम को आप कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली उन्होंने लास्ट ओडीआई में, 150 प्लस मारे और बहुत ही शानदार लगे खेलते हुए। तो बाबर आजम की पहले T20 में प्लेयर परफॉर्मेंस जो है वो 35 प्लस की क्रॉस हो जाएगी 1.83 ऑड्स पर, और अगर इस पर भी मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 1666 का। तो आप जरूर बैक करें बाबर आजम को कि वो इस मैच में 35 प्लस अपने प्लेयर परफॉर्मेंस को क्रॉस कर जाएंगे। तो आई चलते इस मैच की टिप नंबर 5 की तरफ, यानी कि लास्ट टिप की तरफ। जेसन रॉय की मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 28 प्लस की 1.83 ऑड्स पर। बहुत ही जबरदस्त ये बैट है, जेसन रॉय जो है बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं और ओपनिंग तो सब जानती हैं वो कितनी तेज करते हैं, बहुत ही तेजी से रन मारते हैं, और इसलिए ही मैंने इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है कि वो 28 प्लस की क्रॉस हो जाएगी 1.83 ऑड्स पर। डबल स्टैक है, 1666 का इस पर मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट। तो ये 5 टिप्स मैंने आपके लिए रिकमेंड करी हैं, और आपको कहां पे जाकर स्टैक लगाना है, bet365.com पर। नीचे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उस लिंक को बस आप करिए टैप और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे bet365 की वेबसाइट पर। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत आसान है आपके लिए वहां पर अपना स्टेक लगाना। ये जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये आपको बहुत आराम से वहां पर पहले T20 में मिल जाएंगे, जो bet365 पे शो हो रहा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट T20, आप बस टैप करिए। और क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी टैप करना है, क्योंकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है कि मैंने चैनल पर कौन सी न्यू वीडियो अपलोड करी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।